हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पर्पल का ह्यूज 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 मेकअप हॉल वीडियो, जिसमें मैं बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स लाई हूँ। मैंने परचेस किया है स्टेकर की NYBE और पर्पल के प्रोडक्ट्स, एंड ये सारे ही प्रोडक्ट पे मुझे फ्लैट 50% डिस्काउंट मिला है। और मैंने पर्पल की एलाइट मेंबरशिप ले ली है, इसी बार ली है, ये 1 साल तक के है। इसके लिए अलग से कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं और इसमें कुछ ऑफर्स भी रहते हैं। तो ये सारे ही प्रोडक्ट बहुत अच्छे से वेल रैप्ड होके सेपरेटली आए हैं। ये मुझे दोनों पार्सल 2 पार्ट में, इवन 2 दिन में मिले हैं। एक मुझे परसों मिला था और एक मुझे आज मॉर्निंग में मिला है। तो आइए देखते हैं ये सारे ही प्रोडक्ट कैसे हैं और किस कंडीशन में रिसीव्ड हुए हैं। पहला प्रोडक्ट है फ्रेंड्स मेरा स्टे क्योर्की का आईलाइनर, जो कि वाइट इन कलर में है और जिसका शेड नंबर है 09 बदहास वाइट, एंड इट्स सेज लुक टू ग्लैम लुक टू आ गेव डैम। MRP जिसका 75 रुपीज़ है 5 ml ऑफ प्रोडक्ट के लिए। इसमें इंग्रेडिएंट लिस्ट मेंशन कर रखी है कार्डबोर्ड केस पे, और इस पर यह भी मेंशन कर रखा है कि इसको कूल प्लेस में रखें। और ये कुछ इस तरह के ब्लैक कलर के पूरे प्लास्टिक के कंटेनर में आता है, जिसके बॉटम पे आपको वाइट कलर का मिल जाएगा। ये इसका स्पॉच है जो कि काफ़ी लाइट है फ्रेंड्स, उतना नहीं है, आपको काफ़ी टाइम कोट करना पड़ेगा। थोड़ा पिगमेंटेड तो है बट काफ़ी टाइम कोट करना पड़ेगा इसे। और उसके बाद जो मेरा सेकेंड प्रोडक्ट है वो भी अगेन स्टे क्योर्की का आईलाइनर ही है, जो कि मैंने ब्लू कलर में लिया हुआ है, जिसका MRP अगेन 175 रुपीज़ है फॉर 5 ml ऑफ प्रोडक्ट। इसमें इंग्रेडिएंट लिस्ट मेंशन कर रखी है, और इसका जो कवर है अपर कवर से आप देख सकते हैं, इसमें ब्लू कलर का बॉटल है एंड ब्लैक कलर का इसका एप्लीकेटर है। और इसमें भी फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा ब्लू कलर है, बट आपको एक दो बार लेयर अप करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। देखिए काफ़ी लाइट सा है, इस वजह से लेयरिंग करनी पड़ेगी। दोनों आपने देख लिया। आप थर्ड प्रोडक्ट है मेरा NYBE का आईलाइनर, जो कि 03 ग्रीन मूस कलर में है, जिसका MRP फ्रेंड्स 149 रुपीज़ है फॉर 6 ml ऑफ प्रोडक्ट। ये स्टे क्योर्की से सस्ता है। इसमें 24 मंथ्स की शेल्फ लाइफ है, इंग्रेडिएंट लिस्ट प्रॉपर मेंशन कर रखी है, एंड इसके ऊपर लिखा हुआ है दिस इज़ अ थिन ब्रश फॉर परफेक्ट लाइन्स, 1 स्ट्रोक एप्लीकेशन है इन्होंने बोला है। और इसका काफ़ी अच्छा सा आईलाइनर कंटेनर है, और नीचे भी ग्रीन लिखा हुआ है, और ऐसे ही ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसका एप्लीकेटर भी काफ़ी हद तक अच्छा है। ओह शिट, ये ब्लू वाला आ गया है ना, तो जो ये ग्रीन वाला है ये काफ़ी अच्छा एप्लीकेटर भी है, काफ़ी स्टाइलिश है, थोड़ा लुक वाइज भी अच्छा है। अब देखते हैं इसका। वाओ, ये मुझे स्टे क्योर्की से ज़्यादा पिगमेंटेड भी लगे, और 1 स्ट्रोक में अच्छा खासा कलर भी आ गया। और ये 1 स्ट्रोक एप्लीकेशन है फ्रेंड्स काफ़ी हद तक के, और इसमें क्विक ड्राई फॉर्मूला है, तो ये भी मुझे काफ़ी पसंद आया। फिर बात करते हैं उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट है पर्पल का काजल, जो कि पर्ल शेड में है, जिसका MRP है 249 रुपीज़ फॉर 0.25 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट। 3 ईयर्स की शेल्फ लाइफ है, इंग्रेडिएंट कार्डबोर्ड केस पे मेंशन कर रखे हैं। ये प्रॉपरली सील था, और ये नॉर्मल आईलाइनर की तरह पैकेजिंग आता है, ट्विस्ट कीजिए और जस्ट ये बाहर आ जाता है। बट फ्रेंड्स इसमें कुछ दिक्कत है, ये निकल ही नहीं रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये जो आईलाइनर मुझे रिसीव्ड हुआ है ये अंदर से टूटा हुआ है फ्रेंड्स, तो इसको मुझे हाथ से उसमें करके फिर इसको आपको दिखाते हैं इसका एप्लीकेशन। ये थोड़ा सा ड्रॉबैक था, मुझे आईलाइनर काफ़ी ख़राब कंडीशन में ये वाला रिसीव्ड हुआ है, और इवन ये बहुत अच्छे से लग भी नहीं पा रहा है, तो लेट इट भी इसको ऐसे ही डाल देते हैं। आप थोड़ा सा देख लिए होंगे, और ये काफ़ी नेगेटिव मिला मुझे। फिर सेकेंड मैंने अगेन पर्पल का मंगाया है,
ये मे भी सही हो, होप सो। ये मैंने वाइट कलर का काजल मंगाया है जिसका MRP 249 रुपीज़ है। अगेन फॉर 0.25 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट, 3 इयर्स की शेल्फ लाइफ है। इंग्रेडिएंट लिस्ट कार्डबोर्ड पे मेंशन कर रखा है और इसका एप्लीकेशन, इसमें अंदर जो प्रोडक्ट था वो सही कंडीशन में मिला है, वो टूटा नहीं है। और ये काफ़ी हद तक पर्ल और वाइट मैच करते हुए हैं। पर्ल्स में जो है उसमें हल्का सा शाइनी है और ये मैट वाइट कलर का है, जो वाइट वाला काजल है। और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो NYBA का आई लाइनर है फ्रेंड्स। ये ब्लू कलर का है, इसकी शेल्फ लाइफ 3 इयर्स है। बॉटम पे मेंशन कर रखा है, बॉटम पे आपको ब्लू कलर का इसमें स्टिकर भी मिल जाएगा। ये कुछ कुछ वैसे ही बना है जैसे स्टिक उर्की के हैं। और इसका एप्लीकेशन ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक ठीक है, अच्छा है। आपको एक दो बार कोट करना पड़ेगा, एप्लीकेटर जो है वो अच्छा है और प्रोडक्ट भी ठीक ठाक है, अच्छा ब्लू कलर है। और इसके पैसे फ्रेंड्स इस पर मेंशन नहीं है और अभी मैं देख के बता दूंगी आपको। तो ये था इसका स्वॉच। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मेरे पास रिसीव्ड है वो है NYBA का लिप लाइनर जिसका शेड नंबर है मैरून हाई 02। MRP 125 रुपीज़ है फॉर 0.25 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट। इसकी शेल्फ लाइफ 3 इयर्स की है। इसके कार्डबोर्ड पे इंग्रेडिएंट लिस्ट प्रॉपरली मेंशन कर रखी है और इसमें है कि ये इजी टू अप्लाई है, लाइट वेट है, लॉन्ग लास्टिंग है, वाटर रेजिस्टेंस है, हाईली पिगमेंटेड है और ये नॉर्मल लिप लाइनर की तरह है लेकिन इसमें ट्विस्टिंग वाला है। तो बेटर है कि मुझे यह हम लोग को शार्प वाल नहीं करना पड़ेगा, बिना शार्प के बहुत अच्छे से आप ट्विस्ट कीजिए और यूज़ कीजिए। और काफ़ी हद तक पिगमेंटेड भी है, एक ही स्ट्रोक में अच्छा कलर इसने दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा कलर है। ये मुझे फर्स्ट ही इम्प्रेशन में बहुत अच्छा आईलाइनर लगा, पैसे के हिसाब से भी अच्छा है और शार्प करने वाला झंझट भी नहीं है। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा प्रोडक्ट। फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरे पास पर्पल ट्रू ज्वेल 24 कैरेट गोल्ड प्राइमर जो कि MRP है 450 रुपीज़ फॉर 20 ml ऑफ प्रोडक्ट, 24 मंथ्स की शेल्फ लाइफ है। इंग्रेडिएंट मेंशन कर रखे हैं। कार्डबोर्ड केस के बाद आपको अंदर से मिलती है हाई क्वालिटी की प्लास्टिक जिसमें ईजली आपको प्राइमर दिख जाएगा। इसमें 70% बॉडी जो है वो ट्रांसपेरेंट है, अपर लिड जो है ये गोल्ड कलर में है और ये ट्यूब, और ये देखने में काफ़ी एक्सपेंसिव, क्लासी, बहुत अच्छा सा लग रहा है। और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी थिक है फ्रेंड्स, जैसे मैंने अप्लाई किया काफ़ी थिक है और बहुत अच्छे से स्किन पे ग्लाइड हो रहा है। और ये देखें, मुझे इसकी पैकेजिंग वाइज और इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी लगी, काफ़ी अच्छे से थिक है, अच्छे से स्प्रेड हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है 9th प्रोडक्ट है स्टेक्वर्की का प्राइमर जिसका प्राइस है 449 रुपीज़। मैंने इसमें बहुत ढूंढा बट मुझे इसमें नेट वेट लिखा तो है लेकिन आगे कितना है ये मुझे दिखा, 27 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट है 449 रुपीज़ में। की इंग्रेडिएंट मेंशन है और मेंशन लाइट वेट लगा मुझे निकालने के बाद। पर्पल के कंपैरिजन में स्टेक्वर्की का थोड़ा और ओवरऑल ठीक ठाक है, बाद में इसका देखते हैं कैसा होता है यूज़ करने के बाद। उसके बाद 10th प्रोडक्ट है स्टेक्वर्की का लॉन्ग वेयर लिक्विड फाउंडेशन जिसमें मेरा शेड है 08। इसका MRP है 549 रुपीज़ फॉर 20 ml ऑफ प्रोडक्ट, शेल्फ लाइफ है 24 मंथ्स की। इंग्रेडिएंट लिस्ट मेंशन है, इसमें लॉन्ग वेयर मेंशन है बट कितनी देर तक की ये फाउंडेशन स्टे करता है ये मुझे मेंशन नहीं मिला एज सच, ना इसके कंटेनर पे और ना इसके कार्डबोर्ड केस पे। तो ये भी कुछ हद तक के पर्पल के प्राइमर की तरह इसका जो बॉडी है वो है, इसमें पंप मिलता है आपको जो बहुत ही हेल्पफुल है आपको फाउंडेशन के लिए, क्योंकि अगर हम पोर करके निकालते हैं या उस तरह निकालते हैं तो वो बहुत अनहाइजीनिक होता है। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है और इस तरह से आप इसका कुछ कवरेज देख सकते हैं, ईजली ब्लेंड हो रहा है और
लॉन्ग वेयर लिक्विड फाउंडेशन है, 20 ml ऑफ प्रोडक्ट है, अच्छा खासा कवरेज भी दे दिया है। प्राइमर वाइमर लगा के प्रॉपरली लगाएं तो अच्छा होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है मेरे पास NYB का आई पेंसिल, जो वाइट इन कलर में है, जिसका MRP 85 rupees है 2.5 gram ऑफ प्रोडक्ट के लिए। 3 years की शेल्फ लाइफ है, इंग्रेडिएंट मेंशन नहीं है इस पे, ये मेंशन है कि ये वाटर प्रूफ है, स्मच प्रूफ है, और ये देखिए इसको शार्पनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, और ये भी ये 1 to 2 time स्ट्रोक करना पड़ेगा, और अच्छा खासा पिगमेंटेड है, और पैसे के हिसाब से प्रोडक्ट भी अच्छा खासा मिल रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो मेरी है लिप कलर, जो NYB से है, जिसका MRP 215 rupees है, शेल्फ लाइफ 24 months है। पहला मेरे पास जो है वो 06 शेड नंबर है, एक्सेलेंट, एंड ये देखिए उसका स्टॉक। ये फ्रेंड्स मैं बताना चाहती हूँ, इससे पहले भी मैं बाय कर चुकी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने इसको रीपरचेस किया है। दूसरा मैंने इसके साथ परचेस कर लिया है 01 रोज़ एंड गन्स, जो थोड़ा लाइट शेड में है, इसका भी MRP 215 rupees है, 24 months की शेल्फ लाइफ है, इंग्रेडिएंट लिस्ट मेंशन नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स ये थोड़ा लाइट कलर है, दोनों ही कलर बहुत अच्छे हैं, मुझे फर्स्ट वाला 06। तो अब बात करते हैं फ्री प्रोडक्ट्स जो मुझे इतनी सी शॉपिंग करने पे रिसीव्ड हुए हैं टोटली। तो पहला मेरे पास है एल्फ्स गुडनेस का सैंडलवुड पाउडर, जो कि फ्री में मिला है, और इसकी 3 years की शेल्फ लाइफ है, इसको काफ़ी तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। सेकंड प्रोडक्ट मुझे मिला है गुड वाइब्स का हवाना मैंगो हाइड्रेटिंग जेल, जो 50 gram ऑफ प्रोडक्ट है, MRP 175 rupees है। उसके बाद मुझे मिलते हैं इसमें नेल पेंट्स, जो एक NYB का है, और उसके बाद मुझे मिलता है पर्पल का, और आई एम स्टर का मिलता है, जिसमें NYB का शेड है 03, पर्पल का शेड है 01, एंड एम्बेसडर का शेड है 016। इसको मैंने आपको अपने नेल्स पे अप्लाई करके दिखा दिया है, सारे नेल पेंट्स बहुत अच्छे हैं। ये मेरे फ्री प्रोडक्ट्स थे, तो फ्री प्रोडक्ट्स में कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट होता ही है। उसके बाद मुझे मिलता है स्टे क्वेरकी का मेकअप रिमूवर बाम, जो मैंने पहली बार देखा ही है, इवन मैंने सुना नहीं था कि बाम फॉर्म में मेकअप रिमूवर आता भी है। इसका MRP है 349 rupees, जिसका प्रोडक्ट है 30 gram ऑफ प्रोडक्ट, इंग्रेडिएंट लिस्ट मेंशन है, और ये बाम टाइप में है, तो आगे देखते हैं ये कैसा वर्क करेगा। इनमें से किसी भी प्रोडक्ट का आपको सेपरेट रिव्यू चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो। और ये काफ़ी अच्छे से स्किन पे ग्लाइड हो गया। ये था मेरा ओवरऑल ह्यूज पर्पल हॉल। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस हो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।